पधारे हमारे बिहार विधानसभा के लोक नाट्य ऐसे जननायक सरल स्वभावी डॉक्टर समर सिंह जी, साथ में पधारे AICCC के मेंबर हमारे कुमार साहब, भाई राजेवासी जी, महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर रमेश जी, भाई विनोद जी, और साथ में पधारे सभी मेहमान और मेरे पिता तुल्य भाइयों और मेरे युवा भाइयों, माताएं बहनों, मातृशक्ति, आप सबका आज बाल्य के गांव में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच में जो बता रहे हैं, आज तो आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की असेंबली का इलेक्शन है, उसमें डॉक्टर समरजीत सिंह जी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर विजय बनाना है। ये बाल्य गाँव है, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे दूसरी बार आने का मौका मिला है डॉक्टर साहब के साथ में। परंतु अभी मैं आपको आज जोड़कर कर्म निवेदन करता हूं कि पहले आपने डॉक्टर साहब को बाली से आगे रखा था, परंतु मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब की बार बाली का 100% वोट डॉक्टर साहब को जाना चाहिए। ऐसे समझदार पढ़े लिखे आदमी को जाना चाहिए जो आपके बाली काम का विकास कर सके, न कि जो आदमी आके डायलॉगबाजी करे, जो आदमी काम में खुश भी नहीं है और आके खाली वोट करके वोट लेके जाते हो। आज डॉक्टर साहब को आज आपने 15 साल से नहीं जीते हुए, फिर भी आपकी सेवा में कांग्रेस में कभी आगे बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब को। 15 साल के बाद में आज अपने को 100% विजय बनाना है आपको। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि बाली गांव के अंदर हमारे डुब्बी के अंदर एक हमारे हीरा देवासी रहते हैं, जिन्होंने पूरे आपके बाली गांव का नाम रोशन किया हुआ है। ऐसे हीरा देवासी भी आपके बीच में आज आए हुए हैं, वो भी आपसे वोट की लिए आए हैं करके, और उनका एक ही निवेदन है कि ऐसे युवा और क्रमशील जो आज आपके बीच में रहकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोग योद्धा को वोट देना है और आपको इनको विजय बनाना है, क्योंकि इनके अंदर ऐसी संभावना है कि वो विधायक नहीं रहते हुए वो आपके बीच में 15 साल से वही काम कर रहे हैं करके कोई भी बंदा गया होगा, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा होगा, आप कभी फोन किया होगा तो आपको उनको जवाब दिया है। और मैं बात करूं कि आप इनको जिताएंगे, अशोक गहलोत जी के हाथ मजबूत करेंगे, और अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर इतनी योजनाएं दी है कि आपका एक वोट है, आपका एक वोट आपके पड़ोसी को या किसी भगवान नगर को बीमार हो उसको 25-25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस वोट दिया हुआ है, आपका कहीं पर इलाज हो तो वैसे ही होता है। अगर आपके एक वोट से अगर आप पुण्य कमा पाते हो तो मेरा आपसे निवेदन है, वो पुण्य आपको कमाना चाहिए। सभी बाली गाँव के रहवासियों से निवेदन है कि ऐसे जो विकासशील पुरुष है उनके उनको उनके हाथ मजबूत करने चाहिए, उनको वोट देने चाहिए। अभी मैं आगे अपने वाली को विराम देता हूँ, आपका वक्त बहुत ज्यादा है और समय की कमी है, तो मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि बोलो भारत माता की, भारत।